हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उषा, डियर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आज आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, जब मीठा खाने का मन हो तो हम कैसे बना लें। झटपट ही बताऊँगी। ये मैंने सूजी ली है, कोई भी सूजी ले लीजिएगा, बारीक होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छी है, थोड़ी मोटी हो तो उसको मिक्सर में आप चला लीजिएगा। और मैंने जैसे वन ये बाउल लिया है मेजरमेंट में, इसी का डेढ़ गुना मैंने यहाँ दूध लिया है। और ये दूध जो है रूम टेम्परेचर पर है, एकदम ठंडा मत लीजिएगा। इसके डो को तैयार करने में हम जो है वो सूजी, दूध, थोड़ी उसमें इलायची डाल देंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो आपको चाहिए, थोड़ा सा घी लेंगे। अब किसी भी पैन के अंदर हम उसको थोड़ा गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा घी से मतलब है 2 चम्मच, यानी 10 ग्राम के करीब हम इसमें घी लेंगे। और चूँकि ये गर्म है मेरी कढ़ाई, तो इसमें हम इसको डाल करके और लो हमारी फ्लेम के ऊपर इसको बिना कलर चेंज हुए 2 से 3 मिनट तक इसको सेकेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। दो मिनट के बाद फ्रेंड्स, जब इसका कच्चापन आपको लगे कि दूर हो गया है, तो फिर हम इसमें हमारा दूध डालेंगे और इसको बिल्कुल सिम आंच पर चलाएंगे, ताकि ये इसमें अच्छी तरह से फूल जाए। सिम आंच पर भी कीजिएगा, नहीं तो ये एकदम से पीलेगा, यानी इसको एकदम से ये सूखा हो जाएगा। इस तरह से ये गाढ़ा होने लगेगा, आपको ये चलाते जाना है जब तक ये पैन ना छोड़ दे। और अब इसमें फिर से 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे और इसको चलाएंगे। ये फ्रेंड्स देखिएगा, अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, ताकि हम इसको छू सकें। अब फ्रेंड्स, मैंने एक बाउल जो है वो शुगर ले लिया है, उसको कढ़ाई में डालेंगे और उसमें 1.5 गिलास यानी उसका 1.5 गुना पानी डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे ताकि ये घुल जाए। हमें जो है एक कार की चाशनी नहीं बनानी है, हमें इस तरह की चाशनी बनानी है जो पक जाए और जिसमें गुलाब जामुन जो है वो उसके अंदर जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके, ऐसा सिरप हमें तैयार करना है। इधर हमारा डो जो है हाथ लगाने लायक हो गया, मगर टाइट है, इसलिए इसमें हम दूध डालते हुए, आप दूध डाल डाल कर इसको सॉफ्ट बना लेंगे। इसको दोनों हाथों की सहायता से इसको मसल लीजिएगा, अभी भी गर्म है। इसके साथ ही मसलते हुए हम इसमें थोड़ी इलायची डाल देंगे खुशबू के लिए। मैं सॉफ्ट आधा कर लिया है फ्रेंड्स। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा डालूंगी और इसको भी इसी के अंदर मिक्स कर लेंगे। इधर हमारी शुगर भी जो है वो मेल्ट हो चुकी है, इसमें डिज़ोल्व हो गई है। अब इसको 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। चाशनी में 1 चम्मच गुलाब जल डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, इधर पैन के अंदर हम तेल या घी जो भी आप लेना चाहते हो वो डाल लीजिएगा। और ये देखिए, मैंने डो तैयार कर लिया, कितना सॉफ्ट है आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें से लेकर के थोड़ा थोड़ा आप इसको उसका आकार दे दीजिएगा गुलाब जामुन का। और इसके बीच में चाहें तो आपको अगर मिश्री है, मिश्री दाने वाली मिश्री है वो डाल दीजिए, आप इसके अंदर बादाम या कुछ इसके अंदर डालना चाहते हैं तो डाल करके और इसे गुलाब जामुन के समान आपस में मिला करके रोल कर दीजिएगा। दोनों हथेलियों की सहायता से इस तरह से बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो हो गया है। अब हम इसमें ऑयल में डाल देंगे और इन्हें मीडियम आंच पर ही पकने देंगे, एकदम से इसमें स्पैचुला मत लगाइएगा। इसको धीरे से अब पलटिएगा और हम इसको स्लो गैस पर ही इसके उसको फ्राई करेंगे फ्रेंड्स, ताकि ये अंदर तक पक जाए।
सिकाई करते समय आप गरम गरम ऑयल या घी ऐसे उनके ऊपर डाल सकते हैं ताकि ऊपर से भी सिकाई बराबर होती रहे। क्योंकि आप कितना ही इसमें ऑयल या घी ले लीजिए, ये जब ऊपर आएंगे तो फिर ये इसी तरह से होंगे। देखिए फूल करके भी कितने मोटे हो गए हैं आप देख पाएंगे, और जब ये जूस के अंदर सिरप के अंदर जाएंगे तो ये और ज़्यादा फूल जाएंगे। फ्रेंड्स इस तरह से गोल्डन डार्क गोल्डन होने पर हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। दूसरे लॉट को इसमें हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स वही मीडियम फ्लेम पर ले आइएगा अपनी गैस को, ताकि ये अंदर तक धीरे धीरे इनको फ्राई हो सकें। आप इसके ऊपर इस तरह से, फ्रेंड्स ये हमारी सिरप है, और इस सिरप में हम अपने, ये हमारी अभी सिरप जो है वो हल्की गर्म है, और हल्के गर्म ही हमारे गुलाब जामुन हैं, तो हम इसको इसमें डिप कर देंगे। इनको चाशनी में ऐसे उलटते पुलटते रहिएगा ताकि ये इसमें चाशनी में डिप हो जाए। देखिए कितने अच्छे ये फूल गए हैं। फ्रेंड्स ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं सेकेंड लॉट भी। अब देखिए फ्रेंड्स जो हमने पहला लॉट डाला लॉट है इसके अंदर डाला था, वो देखिए कितना जूस उसने अपने अंदर सक कर लिया है। अब इसमें हम सेकेंड लॉट के हमारे जो गुलाब जामुन है उसको भी डाल देते हैं, और इन्हें डिप कर देते हैं इन्हें अच्छी तरह से। अब इसको हम इस तरह से आधा घंटा इसको डिप करके रखेंगे चाशनी के अंदर, और उसके बाद में आप इसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।